लूका 4:27 पद और एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूर्ययानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और शाखा और संघी कलीसिया के सदस्यों, अमेरिका, कनाडा, होंडुरस, पेरू, अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, केन्या, युगांडा, कोंगो, इजिप्ट, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया और मंगोलिया और कोरिया के स्थानीय और शाखा कलीसिया के सदस्यों और इंटरनेट और टीवी के श्रोताओं जो पूरे संसार भर में इस संदेश को सुन रहे हैं, ये भलाई का 8वां सत्र है। इस संदेश में मैं आपको नामान की भलाई के बारे में बताऊंगा। यह है यशायाह 6 उसके 9 में कहा गया है, उसने कहा जा और उन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। यह हमें बताता है कि ये संसार पूरा बुराइयों और पापों से भरा है और इस संसार में लोगों के हृदय वो पापों से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि सत्य वो इस संसार में फैल रहा है, लेकिन वो इसके अर्थ को नहीं समझते और जब जीवित परमेश्वर के प्रमाणों को दिखाया जाता है तो वो इसे नहीं समझते। लेकिन जिनके हृदय भले होते हैं वो प्यासे हिरनी की तरह वो सत्य को ढूंढते हैं, और ये कोई मायने नहीं रखता कि ये संसार कितना पापों से भरा है, वो सत्य का अनुसरण करते हैं और सत्य को ढूंढते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आपने जीवन के वचनों को सुना और आपने जीवन की ज्योति को देखा तो आप इस कलीसिया में आए। उन्होंने इतनी सारी बातों में से उन्होंने अपने कानों का प्रयोग केवल सत्य के वचनों को सुनने के लिए किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, धन्य है वो व्यक्ति जिसकी आत्मिक आँखें और कान खुले हैं ताकि वो सत्य का अनुसरण कर सके और सत्य को पहचान सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13:16 में कहा है, पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ता ने और धर्मों ने चाहा कि जो तुम देखते हो वो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। उन्होंने ये नहीं कहा कि सभी भविष्यद्वक्ता, उन्होंने कहा बहुत से भविष्यद्वक्ता, यहाँ तक कि वो भविष्यद्वक्ता हैं और धर्मी हैं, वो सब नहीं देख सकते और ना ही वो सुन सकते। बाइबल के अनुसार यीशु के समय हर कोई आशीष नहीं प्राप्त कर सकता था, और उस समय जब भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर की सामर्थ्य के बहुत से कार्य किए, इसीलिए यीशु ने लूका 4:27 में कहा, और एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूर्ययानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। वहां पर बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन केवल नामान को ही शुद्ध किया गया। यहाँ पर कहा गया है कि वहां पर बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनके पास सच्चा विश्वास और सच्चा प्रेम नहीं था। वो केवल नामान था जो गैर यहूदी था। कोरिया में भी बहुत से कोढ़ी हैं, उन्हें किसी अलग जगह पर ले जाया जाता है, लेकिन जब से एक कलीसिया बनी है उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। उन्होंने मेरे बारे में सुना होगा, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। लेकिन जब मैं विदेशों में जाता हूँ, आप जानते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। यहाँ पर यीशु ने नामान का नाम क्यों लिया है, जबकि नामान वो पुराने नियम में था? यह इसलिए है क्योंकि यीशु हमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके के व्यक्ति वो परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। नामान के पास एक भला हृदय था, जब उसने भली बातों को सुना तो उसने उसका पालन किया, और इससे बढ़कर नामान के पास कुछ और भली चीजें थी जिसके कारण परमेश्वर ने उसे भला समझा।
जब मैं एक एक करके नामान की भलाई के बारे में बताता हूँ, तो कृपया करके आप अपने आप को देखें और आप अपने हृदय को जांचें। आप अपने हृदय की तुलना नामान के साथ करें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ ताकि आप अपनी कमियों को भलाई के साथ पूरा करें, ताकि आप उन चीज़ों को भी प्राप्त करने पाए जो कि मनुष्यों की समझ से असंभव है। प्रिय भाइयों और बहनों, अब मैं आपको बताता हूँ कि नामान वो किस तरीके का व्यक्ति था। उसकी कहानी दूसरा राजा 5 अध्याय में दी गई है। उस समय इसराइल 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी भाग यहूदा और दक्षिणी भाग इसराइल। राजा अहाब के मरने के बाद राजा अजीहा वो राजा के पद पर बैठा और उनका पड़ोसी देश वो आराम था। नामान वो आराम का सेनापति था। पुराने समय में जब बहुत से युद्ध और लड़ाइयां देशों के बीच में होती थी, तो राजा के बाद दूसरे स्थान पर सेनापति के पास अधिकार, गरिमा और सामर्थ्य होता था। दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 1 पद कहता है, आराम की राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था और यह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। कोढ़ एक ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो सकता, ना ही कोई मेडिकल और सर्जिकल तरीके से भी। बीते समय में भी इसका कोई उपचार नहीं था और ना ही अब है। प्राकृतिक तौर से नामान वो किसी भी तरीके के उपचार को ले सकता था। उसके पास सामर्थ्य थी, वो राजा के बाद दूसरे स्थान पर था। उसके पास बहुत सा धन था और वो विख्यात भी था, और वो किसी भी तरीके के उपचार का उपयोग कर सकता था। और राजा भी अपनी बेहतर कोशिश करेगा, क्योंकि राजा वो उसे बहुत प्रेम करता था और उसके पास बहुत सी सामर्थ्य थी और बहुत सा पैसा था। उसने सभी प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जिसे भी बेहतर माना जाता था, और वो हर एक प्रसिद्ध डॉक्टर पर भी निर्भर रहा। जब मैं बीमार था तब मैंने भी सभी प्रकार के दवाइयों का उपयोग किया जो भी लोग कहते थे कि ये बेहतर होगी। यहाँ तक कि उसने अपने ईश्वर से भी मांगा कि वो उसे चंगा करे, और उसने बहुत से बलिदानों को चढ़ाया। क्योंकि मैं भी परमेश्वर को नहीं जानता था, इसलिए मैंने भी बहुत से ईश्वरों से मांगा। वास्तव में मैं नास्तिक था, लेकिन जब मैं बीमार था तब मानविन प्रेयर सेंटर की प्रेसिडेंट ने, उन्होंने बहुत सी मदद मांगी, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को किया। यहाँ तक कि उन्होंने किसी चीज़ को मारकर मेरे तकिए के नीचे रखा ताकि वो भूतों को दूर कर सके, और मेरी माँ वो किसी भूत के मंदिर में गई और उन्होंने बहुत सी चीज़ों का प्रयास किया। लेकिन कोई मायने नहीं रखता कि उन्होंने किन किन चीज़ों का प्रयोग किया, वो मुझे नहीं ठीक कर पाई। मनुष्य के लिए कोढ़ को ठीक करना वो उसकी योग्यताओं से और उसकी बुद्धि से परे है। ये मनुष्य के लिए असंभव है कि वो कोढ़ को ठीक करे। ऐसे व्यक्ति जो किसी लाइलाइज बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि कोढ़, वो लोग जो इस संसार भर में रह रहे हैं, वो बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं जिसे मनुष्य की योग्यताओं से दूर करना मुश्किल है। लेकिन आजकल के दिनों में कोढ़ से ज़्यादा एड्स और भी भयंकर है। एड्स भी लाइलाज बीमारी है, लोग केवल मर जाते हैं, लेकिन जिनको कोढ़ है वो उनसे ज़्यादा जीते हैं जिनको एड्स है। चाहे मेडिकल साइंस वो कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और बहुत से लोग वो अपनी लाइलाज बीमारियों से इस कलीसिया में ठीक हुए हैं। वो समस्याएं वो मनुष्य की सामर्थ्य के द्वारा, प्रसिद्धि या फिर उनके धन के द्वारा नहीं ठीक हो सकती। जिन्हें ऐसी समस्याएं होती हैं वो लोग निराशा भी महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर की कोई भी सीमा नहीं है। वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं और उनकी सामर्थ्य के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। मरकुस 9 अध्याय उसका 23 पद कहता है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम इस तथ्य को सबके सामने प्रचार करते हैं जितने लोगों के सामने हो सके। हम उन्हें सीधे तौर से परमेश्वर को नहीं दिखा सकते, लेकिन हम लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं ऐसे ठोस प्रमाणों को दिखाकर जिससे कि वो विश्वास कर सके, क्योंकि हम एक और आत्मा को बचाना चाहते हैं ताकि वो परमेश्वर में विश्वास करें और वो एक आशीषित जीवन जीने पाए परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा।
हम उन आत्माओं को नरक की भयानक पीड़ा से बचाना चाहते हैं जिनको सुसमाचार का प्रचार किया गया है, ताकि वो अपना अनंत जीवन स्वर्ग में खुशी के साथ जी सकें। तब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुसमाचार के प्रचार को नहीं सुनते, चाहे उनके लिए कितना भी किया जाए वो विश्वास नहीं करते। जब उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, यह इसलिए है क्योंकि इनका हृदय वो पापों से भरा है और वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं और वो सत्य के वचनों को नकार देते हैं। ये कलीसिया वो बहुत से चिन्ह चमत्कारों को दिखा रही है जो बाइबल में लिखे हैं, यहाँ तक कि उनकी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उन चीज़ों को नहीं देखना चाहते और उन पर विश्वास नहीं करना चाहते। लेकिन जिनके भले हृदय हैं वो परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार को ग्रहण करते हैं, वो इसे ग्रहण करते हैं। अगर वो अपने खुले मन के साथ सुने तो वो सत्य को समझेंगे जो कि सुसमाचार में छिपी हुई है, और वो इसे ग्रहण करेंगे और वो इस पर विश्वास करेंगे। मैं पेरू गया और मैंने वहाँ पे 3 दिन के लिए क्रूसेड की। मैंने वहाँ पे सुना वहाँ की जनसंख्या का केवल 7% लोग ही वो मसीही थे, लेकिन जब मैंने 3 दिन की क्रूसेड की उसके बाद वहाँ पर मसीहों की संख्या वो दोगुना बढ़ गई। 14% जनसंख्या वो मसीही है। वहाँ पर महानता से जागृति आई। उन्होंने केवल 3 दिनों के लिए परमेश्वर के वचनों को सुना, लेकिन वो मसीह बन गए। क्या होता अगर वो परमेश्वर के वचनों को ना केवल 3 दिन के लिए लेकिन 10 या फिर 100 घंटों के लिए वो सुनते? वहाँ पर कितनी तेजी से जागृति आती। उन्होंने वहाँ पर परमेश्वर के कार्यों को देखा। वो परमेश्वर के कार्य के द्वारा प्रभावित हुए और उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया और प्रभु को। उनका हृदय कितना भला था। मैं कितना ज़्यादा धन्यवादी हूँ। एक व्यक्ति जिसके पास भला हृदय था, उसका नाम नामान था। नामान के घर में एक छोटी जवान नौकरानी थी जो बंदी बनाकर इज़राइल से लाए गए थी, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और उसने अपने स्वामीन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरून के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोर से चंगा कर देता। वो इस समय उसको सुसमाचार का प्रचार कर रही है, यहाँ तक कि वो एक नौकर है तो भी वो अपने स्वामी को सुसमाचार का प्रचार कर रही है। आप क्या सोचते हैं कि उसकी स्वामिनी ने उसको किस तरीके की प्रतिक्रिया दी होगी? आप किस तरीके की प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं जब आपके परिवार के सदस्य या फिर आपके दोस्त वो आपको सुसमाचार का प्रचार करते हैं? हो सकता है आपने कहा होगा, ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है। ऐसे बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि उनकी पत्नी वो अपने पति को सुसमाचार का प्रचार करती है, लेकिन वो अपने कानों को उधर से मोड़ लेता है। उस समय जब नामान को इन बातों के बारे में बताया गया तो नामान ने इनका इनकार नहीं किया, यहाँ तक कि नामान के पास एक ऊंचा पद था, वो राजा के बाद दूसरे स्थान पर था, तो भी वो बहुत ज़्यादा दीन और नम्र था, इसलिए उसने यहाँ तक कि अपनी नौकरानी के शब्दों का भी इनकार नहीं किया। उसकी नौकरानी के वो शब्द वो उसके लिए सुसमाचार था। जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो कोई मायने नहीं रखता कि हमें कौन सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, तब परमेश्वर हमारे हृदय को भले जानते हैं अगर हम उसको ग्रहण करते हैं। अगर नामान के पास एक बुरा हृदय होता, या फिर नामान बुरा होता, या फिर वो जिद्दी होता, तो नामान वो उन शब्दों का इनकार कर सकता था, या फिर वो सुसमाचार को इनकार कर सकता था यह कहते हुए, तुम केवल एक नौकरानी हो, तुम क्यों मेरे बीच में हस्तक्षेप कर रही हो। या फिर वो गुस्सा कर सकता था, तुम ऐसी चीज़ों को मुझे क्यों बता रही हो। मैं इस बात के लिए निश्चित हूँ कि आपने ऐसी बातों को बहुत बार अपने परिवार में और अपने रिश्तेदारों में देखा होगा। आजकल के दिनों में बहुत से लोग वो सुसमाचार का प्रचार नहीं सुनते जब उन्हें बताया जाता है कि परमेश्वर जीवित है, और वो हर एक प्रकार की बातों का उत्तर देते हैं अगर आप विश्वास के साथ मांगे। आजकल के दिनों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने कानों को सुसमाचार के प्रचार से मोड़ लेते हैं जब उनको बताया जाता है कि परमेश्वर हर एक बातों का उत्तर देते हैं। जितना ज़्यादा उनका पद ऊंचा होता है, वो सुसमाचार के प्रचार को नहीं सुनते और वो इस संसार पर और ज़्यादा निर्भर रहते हैं।
नामान वो एक बहुत बड़े ऊंचे पद पर था, लेकिन उसने यहाँ तक कि अपनी छोटी नौकरानी के आशीषित वचनों को सुना और उस पर विश्वास किया। ये नामान की पहली भलाई थी जिसे परमेश्वर ने भलाई माना। मुझे मालूम है कि आप में से जो सभी सभा में उपस्थित हैं उन्होंने सुसमाचार के प्रचार को नहीं ठुकराया लेकिन उसको ग्रहण किया, क्योंकि आपके पास भी इसी तरीके की भलाई थी। मैं जानता हूँ कि बहुत से अलग लोग भी हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग उन्होंने अपनी पत्नी को सताया जब उन्होंने आपको सुसमाचार का प्रचार किया। लेकिन अभी आप कैसे हैं? आपने उन सुसमाचार को सुना जो भी आपकी पत्नी ने आपको कहा और आप इस कलीसिया में आए, और अब आपके लिए कितना अद्भुत है, आप बदल गए हैं। आप यहाँ पर स्वर को जानने पाए और आप इस कलीसिया में एक विश्वास योग्य कार्यकर्ता बने। अब आपके परिवारों में शांति है और यहाँ तक कि अब आपके हृदय में शांति है। आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपनी आंखों के सामने उनके कार्यों को देखा। अभी आप कितने धन्यवादी हैं। यह कितना ज़्यादा आशीषित है जब आप सुसमाचार के प्रचार को ग्रहण करते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है कि आप उद्धार के जहाज में बैठ गए हैं और यहाँ तक कि भयंकर तूफानों में भी आप स्वर्ग के राज्य की ओर जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ताकि आप महसूस करने पाएं कि आप कितने ज़्यादा आशीषित हैं कि आपने सुसमाचार के प्रचार को ग्रहण किया और परमेश्वर को महिमा और उनको धन्यवाद दिया जिन्होंने आपके कानों को और आपकी आंखों को खोला और आपको सुसमाचार के प्रचार को ग्रहण करने दिया। जब से आप इस आशीषित कलीसिया में आए हैं आपके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। यहाँ तक कि अगर कोई वो पांचवी मंजिल से गिर भी गया तो भी वो सुरक्षित था। आपने इसे देखा है क्या? नहीं देखा? यहाँ तक कि आपकी कार दुर्घटना हुई और आपकी कार पे बहुत सी खरोचे आई, लेकिन आपका शरीर वो बहुत ज्यादा सुरक्षित था। आपने इस तरीके से बहुत सी गवाहियां दी हैं और यहाँ तक कि कार अगर आपके ऊपर से गुजर गई तो भी आपकी कोई हड्डियां नहीं टूटी। इस तरीके से आप लोग बहुत आशीषित हैं। नामान की दूसरी भलाई जिसके कारण परमेश्वर ने नामान को भला जाना वो है कि नामान ने ना केवल सुसमाचार के प्रचार को सुना और ग्रहण किया, लेकिन उसने अपने कार्यों के साथ अपने विश्वास को दिखाया। जब उसने अपनी नौकरानी से इज़राइल के भविष्यद्वक्ता के बारे में सुना, उसने यहाँ तक कि अपने दासों को नहीं भेजा कि वो उसे वहाँ बुलाकर लाए और ना ही उसे कोई पत्र भेजा कि वो उसके लिए प्रार्थना करे। आप सब जानते हैं कि एलिशा वहाँ नहीं आएंगे यहाँ तक कि उसके लिए कोई एक पत्र भेजे। वो इस तरीके का व्यक्ति नहीं था। नामान वो स्वयं वहाँ पर उस भविष्यद्वक्ता के पास गया। उसने यहाँ तक कि अपने कुछ भेंटों को भी इकट्ठा किया, जैसा कि दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 5 पद में बताया गया है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि वो रकम बहुत ज़्यादा थी। जिस तरीके से मती 6 अध्याय उसके 21 पद में कहा गया है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। नामान ने अपनी उत्सुक इच्छा को दिखाया कि वो चंगा होना चाहता है, इसलिए उसने ईमानदारी के साथ अपनी भेंटों को भी तैयार किया। नामान ने यह आशा नहीं की थी कि वो उसे भी बढ़कर काटेगा जो भी उसने बोया है। इसीलिए जब वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के पास गया, उसने यह आशा नहीं की थी कि जो भी उसने बोया है उसे बढ़कर काटेगा, लेकिन इसके बजाय उसने ईमानदारी के साथ अपनी भेंटों को तैयार किया और अपनी चंगाई के लिए उत्सुक इच्छा दिखाई। ये नामान की दूसरी भलाई थी जिसे परमेश्वर ने भलाई माना। परमेश्वर इस तरीके के विश्वास के कार्यों के साथ खुश होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करते हैं, और परमेश्वर उन्हें अपने हृदय की इच्छाओं का उत्तर देते हैं। अगर आपके पास विश्वास है तो आपके कार्य उसके साथ होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग वो केवल अपने होठों के साथ विश्वास का अंगीकार करते और वो कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद। हमारे पिता परमेश्वर खुश होते हैं जब आप अपने कार्यों के साथ विश्वास दिखाते हैं। जब नामान ने अपनी भेंटों को तैयार किया और जब वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के साथ मिलने गया,
तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने आशा नहीं की थी। यहाँ तक कि नामान वो अपने बीमार शरीर के साथ वो भविष्यद्वक्ता एलिशा के पास गया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एलिशा भविष्यद्वक्ता वो उसके पास नहीं आया। लेकिन उसने अपने सेवक से कहा कि उसे जाकर कहें कि जाए और यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए तो वो साफ हो जाएगा और वो आशीषित होगा। नामान ने अपमानित महसूस किया और उसने शिकायत करना शुरू कर दी, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास बाहर आएगा। और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। नामान ने ऐसे सोचा था, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता वो बाहर नहीं आया। नामान कौन है? वो राजा के बाद दूसरे स्थान पर है और उसके पास अधिकार है, और यहाँ तक कि वो बहुत सी भेंटों के साथ आया और वो एलिशा के घर के बाहर खड़ा है, लेकिन वो यहाँ तक कि बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि वो अपने घर से बाहर नहीं आया। नामान को अपमानित महसूस हुआ और उसने कहा कि वो यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए। उनके देश में भी उससे बड़ी नदी है, क्यों उसने कहा कि वो यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए? वह अपनी समस्या को किसी भी तरीके के उपचार से नहीं ठीक कर पाया था, इसलिए जब एलिशा के दास ने उसे कहा कि वो जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाए तो वो चंगा हो जाएगा, इसलिए उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया जो भी उसके सेवक ने कहा था। उसने सोचा, नामान ने सोचा था कि वो भविष्यद्वक्ता बाहर आएगा और अपना हाथ उस कोर्ट पर रखेगा, लेकिन उस भविष्यद्वक्ता ने केवल अपने सेवक को भेजा बिना मिले हुए, इसलिए नामान ने अपमानित महसूस किया और वो क्रोधित हुआ। वो एलिशा के पास विश्वास के साथ गया, क्योंकि नामान के पास शारीरिक विचार थे, इसलिए नामान ने इस बात पर विश्वास नहीं किया जो भी उसके सेवक ने कहा था, लेकिन उसने ऐसा महसूस किया कि उसे अपमानित किया गया है और वो केवल अपने देश में लौटने पर ही था। लेकिन उसके कार्य वो हमें बताते हैं कि नामान वो कितना ज़्यादा भला था और कितना ज़्यादा नम्र था। वो क्रोधित हुआ और वो वापस अपने देश लौटने पर ही था, लेकिन दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 13 पद में बताया गया है, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। यहाँ तक कि वो राजा के बाद दूसरे स्थान पर था और वो अपनी सेना का सेनापति था, तो भी उनके सेवक ने नामान को कहा, हे मेरे पिता। बहुत समय पहले कोरिया में अगर कोई सेवक वो अपने मालिक से कहे हे पिता, तो वो उसके लिए बहुत सी समस्याएं पैदा करता। यदि कोई नौकर वो अपने मालिक को कहे पिता, तो वो उसके लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी कर सकता है और वो उसे कड़ी सजा भी दे सकता है, क्योंकि वो उसे एक सभ्य व्यवहार मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नामान के सेवक है, वो नामान को वो पिता कह रही है, पिता, मेरे पिता। आप इसके बारे में सोचिए, नामान वो वहाँ पर क्रोधित था और ये उसे भी बढ़कर आश्चर्यजनक है। वो नामान को वहाँ पर मेरे पिता कह रही थी और उसे सुझाव दे रही थी, यहाँ तक कि नामान वो क्रोधित था। ये बातें हमें बताती हैं कि नामान वो किस तरीके का व्यक्ति था। उसने यहाँ तक कि अपनी नौकरानी के वचनों का इनकार नहीं किया, लेकिन उसके वचनों को सुना, क्योंकि वो एक उदार मन का था, इसीलिए वो उन बातों को ग्रहण करने पाया जो भी भली बातें थी। इसीलिए उसकी नौकरानी वो प्रेम के साथ उसे सुझाव दे रही थी, आपके बारे में क्या है? जब आपके बच्चे, दोस्त या फिर पड़ोसी वो आपको कुछ सुझाव देते हैं या फिर आपको कुछ बात बताते हैं, क्या आप उनकी बातों को एक उदार मन के साथ ग्रहण करते हैं? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके अंदर दुर्भावनाएं होती है और आप कहते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे ऐसी बातें बोले? क्या आप उनके बातों का इनकार नहीं करते? क्या आप उन बातों का इनकार नहीं करते? आप में से बहुत से लोग वो बातें करते समय दूसरों की बातों को बीच में ही काट देते हैं, और कुछ लोग वो आपको दोबारा से सुझाव देने के लिए आसान नहीं समझते, और यहाँ तक कि आपके चारों ओर के लोग वो आपके लिए कुछ बातें जो ज़रूरी होते हैं उनको बोलने में भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हैं। जो भी है, नामान वो बहुत ज़्यादा दीन और नम्र था और उसने अपनी नौकरानी की बातों का पालन किया।
उसने अपने आप को यर्दन की नदी में 7 बार डुबाया, जिस तरीके से एलिशा भविष्यद्वक्ता ने कहा था। 7 अंक वो आत्मिक तौर से वो स्थिरता को दर्शाता है, और यहाँ पर यर्दन नदी वो परमेश्वर के वचनों को दर्शाती है। 7 अंक वो सिद्धता को दर्शाता है, इसका मतलब है सिद्धता। वर्षा धनुष में भी 7 अलग अलग रंग की ज्योतियाँ हैं, 7 सी ज्योतियाँ। अब परमेश्वर ज्योति है और प्रभु भी ज्योति है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये वर्षा धनुष ये परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर है। आप इसे प्रकाशित वाक्य की किताब में ढूंढ सकते हैं। वर्षा धनुष में 7 ज्योतियां हैं, 7 सी ज्योतियां। ये परमेश्वर की ज्योतियां हैं। इसीलिए जब भी हमारी कलीसिया में कुछ भी समारोह होता है तो पिता परमेश्वर वो वर्षा धनुष को दिखाते हैं और वो प्रमाण देते हैं कि वो हमारे साथ हैं। जब हमारी पेरू में क्रूसेड थी तो पिता परमेश्वर ने वर्षा धनुष को दिखाया, और बहुत से लोग जब वो मीठे मौन पानी के वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर लगभग हर दिन वहाँ पर वर्षा धनुष होता है। और मेरे जन्मदिन पर भी उस वर्षा धनुष में कितने उज्ज्वल रंग हैं। इस तरीके के उज्जवल रंगों को जो वर्षा धनुष में है हम कहाँ ढूंढ सकते हैं। इसीलिए नामान ने अपने आप को 7 बार यर्दन नदी में डुबोया, और उसने पूरी तरीके से परमेश्वर के वचनों का पालन किया, और यहाँ तक कि वो तीसरी बार चौथी बार वो चंगा नहीं हुआ तो भी उसने अपने आप को 7 बार यर्दन नदी में डुबोया। इस तरीके से उसने पिता परमेश्वर के कार्यों का अनुभव किया। अगर हम कहें कि उसने 6 बार अपने आप को डुबोया और उसके पास कोई भी चंगाई का चिन्ह नहीं था, और वो फिर भी नहीं बदला, और वो अपने आप को बीच में डुबाना छोड़ देता तो वो चंगा नहीं होता। उसने विश्वास किया और अंत तक उसने पालन किया। ये राजा 5 अध्याय उसके 14 पद में बताया गया है। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। उसने परमेश्वर की भली इच्छा का अनुसरण किया, और उसने अंत तक परमेश्वर के वचनों का पालन किया, यहाँ तक कि वो उसके सोच विचारों के अनुसार नहीं था। पिता परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को देखा जो भी उसने किया। दूसरे शब्दों में उसने परमेश्वर के जन के वचनों का पालन किया। इसका मतलब है कि उसने परमेश्वर के वचनों को अंत तक सुना। और जब नामान ने उस भविष्यद्वक्ता के वचनों का पालन किया तो परमेश्वर ने इसे आनंद के साथ ग्रहण किया और उसके कोढ़ को चंगा किया। प्रिय भाइयों और बहनों, एलिशा के वचन वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से थे। इसीलिए जब उसने एलिशा भविष्यद्वक्ता के वचनों का पालन किया तो वास्तव में उसने परमेश्वर के वचनों का पालन किया। जब हम परमेश्वर के जन के वचनों का पालन करते हैं तो परमेश्वर वो हमें देखते हैं कि हमें आज्ञाकारिता है, और परमेश्वर इसे भलाई समझते हैं। इसीलिए दूसरे इतिहास 20 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे। इसीलिए जब आप पिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तब तुम स्थिर रहोगे। जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। इसीलिए जब आप परमेश्वर से और प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप अपनी हर एक प्रकार की बुराइयों को दूर कर सकते हैं और हर एक प्रकार की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। प्रिय भाइयों और बहनों, तीसरा कारण जिसके कारण परमेश्वर ने नामान को भला माना और उसने अपनी समस्याओं का समाधान पाया, यह इसलिए था क्योंकि नामान के पास बिना बदलने वाला हृदय था। जो भी उसने अनुग्रह पाया बिना उसको त्यागे हुए। जब यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो उनमें से एक वापस आया और उसने यीशु को धन्यवाद दिया। इसीलिए यीशु ने लूका 17 अध्याय उसके 17 पद में कहा,
क्या दसो शुद्ध ना हुए तो फिर भी नूह कहाँ है। आजकल के दिनों में जब बहुत से लोग वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है कि परमेश्वर उन्हें चंगा करे या फिर परमेश्वर उनके हृदय की इच्छाओं का उत्तर दे। तब वो कहते हैं कि वो यहाँ तक कि मृत्यु तक भी विश्वास योग्य रहेंगे जब वो अपना कोई उत्तर प्राप्त करते हैं। लेकिन जिस तरीके से समय बीतता जाता है उनमें से बहुत से वो परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते, लेकिन वो अपने मन को बदल देते हैं और वो परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाते हैं। लेकिन नामान के साथ ऐसा नहीं था। दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 15 पद में कहा गया है, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। उसने सबके सामने ये घोषणा की कि एलिशा के परमेश्वर को छोड़ जिस पर एलिशा विश्वास करता है और कोई परमेश्वर नहीं है, उस परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, ये उसका अंगीकार था। इसीलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। वो चंगा होने के बाद वो अपने देश को नहीं लौटा, लेकिन वो एलिशा के पास वापस गया और उसने उसे धन्यवाद कहा। नामान ने तब से परमेश्वर को ग्रहण किया और उसने निर्णय लिया कि वो केवल उसी परमेश्वर की आराधना करेगा। नामान वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो यहाँ तक कि लाइलाज बीमारी से चंगा हुआ। इसका मतलब है कि वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का कार्य है। उसके पास पहले ईश्वर था जिस पर वो विश्वास करता था, लेकिन उसने उसे त्याग दिया। लेकिन जब उसने महसूस किया कि एलिशा का परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है, तब उसने अपने पहले वाले ईश्वर को त्याग दिया। एलिशा के परमेश्वर ने उसे चंगा किया, लेकिन उसका ईश्वर उसे चंगा नहीं कर पाया। इसलिए उसने अंगीकार किया कि एलिशा का परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है और वो एलिशा के परमेश्वर की आराधना करेगा। उसका हृदय कितना ज़्यादा भला था। लेकिन बहुत से व्यक्ति वो नामान की तरह नहीं होते। वो परमेश्वर के द्वारा चंगे होते हैं, लेकिन वो फिर से संसार में चले जाते हैं और वो पैसे से प्रेम करते हैं और वो यहाँ तक कि अपनी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। इसलिए वो परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं। कितने ज़्यादा लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है। लेकिन नामान वो अपनी बीमारी से चंगा हुआ और उसने महसूस किया कि वो ही परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है और उसने अंगीकार किया कि वो केवल उसी परमेश्वर की आराधना करेगा। उसका हृदय कितना ज़्यादा भला था। और परमेश्वर किसी व्यक्ति को भला जब मानते हैं जब उसके पास एक ऐसा भला हृदय हो। उसने दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 17 पद में अंगीकार किया। उसने अपने आप को दास कहा क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात को यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करने पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूँ। रिमोन वो ईश्वर था जिसे उसका स्वामी दंडवत करता था। यो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करने पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। वो यहाँ पर क्या कह रहा है? उसने यहाँ तक कि तभी क्षमा महसूस की जब वो रिमोन के भवन में जब उसका स्वामी दंडवत करेगा। वो रिमोन के ईश्वर की आराधना नहीं करता, लेकिन जब उसका स्वामी वहाँ जाता है तो वो उसका सहारा लेता है क्योंकि वो उस राजा का दास है। लेकिन नामान ने तब भी क्षमा महसूस किया और उसने परमेश्वर से कहा कि वो उसे क्षमा करे। अब उसके पास ऐसी कोई भावना नहीं है कि वो रिमोन के ईश्वर की आराधना करे, लेकिन उसे वहां पर करना पड़ रहा है क्योंकि राजा वो उसका सहारा लेता है। उसे दंडवत करना पड़ रहा है और उसके लिए वो परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है।
हमें जानना चाहिए कि नामान का हृदय वो कितना ज्यादा भला है। यहाँ पर रिमोन वो ईश्वर है जिसे उसका स्वामी दंडवत करता था, इसीलिए उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे जब मुझे अपने स्वामी के साथ वहाँ पर दंडवत करना पड़े। इसी तरीके से नामान के पास एक भला हृदय था, इसलिए वो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवादी था और उसने सच्चे परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जिसका उसने अनुभव किया था। इस कारण से परमेश्वर ने नामान को चुना, यहाँ तक कि इतने सारे कोड़ियों में से, और उसके द्वारा महिमा ली। इसीलिए परमेश्वर वो हमारे बाहरी रंग रूप को नहीं देखते लेकिन हमारे अंदरूनी हृदय को। इसलिए परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि कौन परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवादी रहेगा और अपने हृदय को नहीं बदलेगा। लेकिन इस तरीके से परमेश्वर नामान की तरह उन लोगों को चुनते हैं और उन्हें आशीष और अनुग्रह देते हैं ताकि उनकी इच्छा वो पूरी होने पाए। अगर आप ऐसे हृदय को दूर करते हैं जो भ्रष्ट हो चुका था और अपने लाभ को नहीं देखते, तो परमेश्वर निश्चित तौर से आपको आशीष देंगे। अगर आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को नहीं भूलते जो आपने प्राप्त किया है लेकिन उसे वापस चुकाने के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करने में कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे। मैं आशा करता हूँ ताकि आप अपने हृदय को एक अच्छे हृदय में बदलने पाएं जिस तरीके से नामान का हृदय था, ताकि आप उन सभी आशीषों का आनंद लेने पाएं जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने नामान की उन भलाइयों के बारे में बताया जो यहाँ तक कि गैर यहूदी था और उसके पास ऐसी गंभीर समस्या थी जो केवल परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही सुलझी। सबसे पहले नामान की भलाई वो थी, वो बहुत ज़्यादा दीन और नम्र था, इसलिए वो यहाँ तक कि वो उस समाचार को सुनने पाया चाहे किसी ने भी उसे सुनाया। नामान की दूसरी भलाई, उसने यहाँ तक कि केवल उस समाचार को ग्रहण नहीं किया लेकिन उसने अपने कार्यों के साथ अपने विश्वास को दिखाया जिससे हमारे पिता परमेश्वर को खुशी मिली। यहाँ तक कि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के वचन वो उसके सोच विचारों के अनुसार नहीं थे, तो भी उसने यहाँ तक कि अपने सोच विचारों को दूर किया और उसने परमेश्वर के वचनों का पालन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे भलाई माना। नामान की तीसरी भलाई थी कि उसके पास एक भला हृदय था, कि उसने परमेश्वर के अनुग्रह को भूला नहीं लेकिन उसके पास एक बिना बदलने वाला हृदय भी था और उसने उसके लिए अपनी भेंटें भी दी। अगर आपने इन तीन भलाइयों को अपने हृदय में पैदा किया है तो फिर आप अपने हृदय की इच्छाओं का उत्तर परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। जितना ज़्यादा आपके हृदय में भलाई होगी उतना ही ज़्यादा आप पिता परमेश्वर से आशीष प्राप्त करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया करके आप भलाई के गहरे स्तर में जाएं। आप परमेश्वर के जन से भलाई को सीखें और ज़्यादा भलाई के गहरे स्तर में जाएं। इसीलिए होने पाए आप में से हर एक का भला हृदय होने पाए और आप अपने सिद्ध कार्यों को प्रकट करें ताकि आप परमेश्वर को खुश करने पाए और आप अपने हृदय की इच्छाओं का उत्तर प्राप्त करने पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।